मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पानी को बचाने के लिए कुरुक्षेत्र के किसानों से बातचीत की है। मुख्यमंत्री ने किसानों को पिछली मक्का फसल की अनुदान राशि जारी करने के आदेश भी दिए। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि बहुमूल्य पानी को बचाने का लक्ष्य लेकर सरकार नीतियां बना रही है। मंत्री मनोहर लाल पीपली पैराकीट के सभागार में भूजल स्तर में सुधार लाने और पानी को बचाने जैसे गंभीर विषयों को लेकर कुरुक्षेत्र के किसानों से फीडबैक लेने पहुंचे और बोले कि पानी की एक एक बूंद बहुमूल्य है जिसको बचाने के लिए सरकार नीतियां बना रही है। इन नीतियों को बेहतर बनाने और धरातल पर अमली जामा पहनाने के साथ साथ पानी बचाने जैसे अच्छे परिणाम लाने के लिए किसानों से सुझाव और फीडबैक लिया जा रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सरकार ने पानी बचाने के लिए फसल विविधीकरण के तहत मेरा पानी मेरी विरासत योजना तैयार की है। इस योजना के तहत कुरुक्षेत्र जिले की पीपली, शाहबाद, बाबेन और इस्माइलियाबाद ब्लॉक को शामिल किया गया है, क्योंकि इन खंडों में भूजल स्तर 40 मीटर से ज्यादा नीचे चला गया है। हालांकि प्रदेश में फतेहाबाद के रतिया ब्लॉक, कैथल के सीवान और गुहला सिरसा के सिरसा ब्लॉक को शामिल किया गया है। इन ब्लॉक में भूजल स्तर की स्थिति बहुत चिंताजनक है। साथ ही सीएम ने कहा कि किसानों को पानी बचाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है और इसके लिए किसानों को फसल विविधीकरण की तरफ अग्रसर होना होगा। इसके लिए ही सरकार ने मेरा पानी मेरी विरासत योजना तैयार की है। इस योजना के तहत मक्का, दालें, सब्जियां, बाजरा, कपास सहित अन्य कुछ फसलें लगाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। सरकार इन फसलों का MSP पर एक एक दाना खरीदेगी और मक्का लगाने पर 7,000 रूपए प्रति एकड़ अनुदान राशि भी दी जाएगी। राजीव अरोड़ा, टोटल न्यूज, कुरुक्षेत्र।